अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मसाला चिकन चरगा। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, 1 एग, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2.5 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून, आप हसबे जायका कर ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 750 ग्राम से फ्रेश योगर्ट है हमारे पास तकरीबन 3 पाव दही, 1100 ग्राम चिकन है बगैर स्किन की साबुत। चिकन के दोनों साइड पे हमने कट्स लगा लिए हैं। फूड कलर ऑरेंज फूड कलर जो हमारे पास था वो हमने पूरी चिकन पे अच्छी तरह से कोट कर देना है एक बड़े बोल में लेकर। अब लेमन जूस भी इसी चिकन पे हम डाल देंगे और पूरी चिकन पे लेमन जूस भी अपना जो है वो अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इस चिकन को आधे घंटे के लिए हम अलग रख देंगे। अब 3 पाव दही जो हमने ली थी उसे एक बड़े बाउल में हमने किया, उसके अंदर सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे मसाले, हमने काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, ये चीज़ें ऐड की। इन सब मसालों को हैंड पिक से अच्छी तरह से मिक्स करें, जब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि एक फाइन पेस्ट ना बन जाए। योगर्ट मिक्सर में लहसुन अदरक पेस्ट, सोया सॉस, अंडा, ये सब चीज़ें भी डाल के अच्छी तरह से विस्क से मिक्सचर बना लेना। अब अपनी चिकन को हमने योगर्ट मैरिनेट में डालना है, पूरा अच्छी तरह से मसाला इस पर कोट करना है, दोनों साइड टर्न करेंगे, खूब अच्छी तरह से मसाले को इस पर मल लेंगे। ये मैरिनेट हुई हुई चिकन हमने 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करनी है और 2 घंटे बाद इसको एक दफ़ा टर्न कर लेना है ताकि जूसेस इसमें पूरे में यूनिफॉर्म पहुँचे। कुकिंग स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले चिकन निकाल के फ्रिज से बाहर रख लें। एक बड़ी कढ़ाई लें, हैवी बेस की मैंने ली है, उसमें 1 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल गरम करें, फ्लेम मीडियम रखिएगा। चिकन ऐड करते हैं अब इसे ऑयल में और मीडियम आंच पे इसको दोनों साइड फ्राई कर लेते हैं, मसाला भी नहीं डालेंगे। देखें अब इस चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है कुक होने से, ज़्यादा कुक नहीं करना है। कुक होती हुई चिकन को अब इन 2 चावल पकाने वाले स्पून से मैंने टर्न किया, मेरे लिए ऐसे करना ईजी हो गया था, चिकन कुक हो रही है। अब मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर, मसाला पोर कर दिया पूरा अपना, अब ये जोश आएगा, मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। चिकन का कवर हमने अब हटाया, फिर ये इसमें अच्छा खासा पानी छूट गया है और ये पक रही है। अब हम इसे उन्हीं दोनों स्पून से वापस टर्न करेंगे। अब उन दोनों चम्मचों से मैं इसको एक दफ़ा और टर्न करूँगी और ये दूसरी वाली साइड अब इसकी डिप हो जाएगी। अब इस चिकन को इस दफ़ा 12-13 मिनट के लिए हम कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पे। चिकन हमारी अब रेडी है, अब कवर हटा के हम इसका सिर्फ 3 मिनट तक पानी खुश करेंगे थोड़ा तेज़ आँच पे। अब चिकन को हम डिश आउट करेंगे, मसाला वगैरह भी इस पर पोर कर देंगे और अनियन रिंग से गार्निश करेंगे। ये मटर पुलाव के साथ, चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।